बिजलियाँ गिराने की आंधियों को जिद है, जहाँ बिजलियाँ गिराने की हमें भी जिद है, वहीं अपना घर बनाने की हमें भी जिद है, वहीं अपना घर बनाने की। नमस्कार, वेलकम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागत है हमारा इस एपिसोड नंबर 3 इस चैनल पे। और पिछली बार हम लोगों ने एक नया जो वर्ल्ड बना था उसको छोड़ करके कोई दूसरा नया वर्ल्ड बनाया था, क्योंकि उसकी सीनरी हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, हम लोगों ने मतलब कि साइंस की भी बहुत बातें करी थी, हम लोगों ने अपना ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बातें करी थी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी, कुछ थोड़े बहुत टूल्स भी बनाए थे और सब चीज़ें भी चली थी। अभी एक मिनट को हम लोगों की रिकॉर्डिंग कैसा है? या आई थिंक द रिकॉर्डिंग इज ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन, एवरीथिंग इज ऑन एंड लेट्स गो। ऑलराइट, हम लोग को एक डायरेक्शन में अपना मूव करते रहना है, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड था शायद, हाँ टुवर्ड्स नेगेटिव जेड, हम लोग इसी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कोई ना कोई विलेज मिल जाए, कुछ अपना आगे बढ़ता जाए। देखो ये सीरीज किस कैसा होने वाला बता रहा है, ये सीरीज होने वाला है रैंडमली जो चीज़ मन में है आपको बोलते जाना। हालांकि हम इसको मतलब ओवरऑल इसका थीम साइंस और जनरल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, जो हम और आप एक नॉर्मली जो फील करते हैं कैसा ज़िंदगी होती है वो हम लोग का एक टारगेट होगा, मतलब जनरली यही होगा। और हमने ये शेर इसलिए बोला ना कि क्योंकि यार पता है अभी कुछ दिन से ना मेरे लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, क्या बताएं कितना दिक्कत चल रहा है, मतलब हम रो रहे हैं कई दिन से, अंदर से ज़्यादा रो रहे हैं, बाहर से तो आंसू आए हैं पर उतना नहीं आया है, थोड़े बहुत ही आए हैं। मेंटली हमको बहुत ही पेन हुआ है किसी के जाने से, तो बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा ही बताया, क्या बताएं, कुछ कुछ तकलीफ ऐसा होता है ना यार कि ख़त्म नहीं होता है, बस खाली रहता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो, आप उसको उखाड़ के फेंक नहीं पाओगे, आप उसको निकाल के फेंक नहीं पाओगे, वो चीज़ें बस हैं वहाँ पर, वो चीज़ें हैं वो जाएंगी नहीं, किसी को भुलाना बड़ा मुश्किल होता है साला। तो मेरा लाइफ भी कुछ ऐसा ही जा रहा है, काफ़ी टाइम हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं और क्या बताएं, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ लेकर के चला गया है, कोई कुछ खुशियाँ उखाड़ लिया है ज़िंदगी में से, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जिए, कैसे पी वाला पल जी बीत रहा है ज़िंदगी का ना, इसको कैसे बिताए। और असल में पता है ये जो हमारी लाइफ है ना, जो हमारी वाली लाइफ है ना, इसमें पता है एक चीज़ ये हो गया है ना कि हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि हम कुछ अपने मन की बात कर सकते हैं। मन की बात हो जाती है, थोड़ा सा चिल हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है, थोड़ा सा चीज़ें शेयर कर लेते हैं किसी के साथ, अदरवाइज लाइफ हम बहुत अकेले, ठीक है, मेरा यहाँ पे आसपास कोई ज़्यादा दोस्त वोस्त नहीं है, नोबडी इज अराउंड मी, और हम भी थोड़े से पता है अजीब टाइप के आदमी हैं इन द सेंस कि यार हम सोते हैं ना कि लोग मेरे से आकर के बात करें, और जब लोग मेरे से आके बात करते हैं तो हम उनको एटीट्यूड दिखाते हैं। अब देखो यार, तुम्हारा एटीट्यूड कोई सहेगा नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी मुश्किल से ही सहेंगे, ठीक है। तो तुमको एटीट्यूड दिखाना नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखो और तुम वैसा दूसरों के साथ बिहेवियर करो जैसे कि तुम उनसे अपने लिए चाहते हो, ठीक है। बट मेरा क्या है यार कि हम तो ठहरे, एक मिनट, हम तो ठहरे ही वो है क्या कहते हैं, थोड़े से अकड़ वाले, मेरा अकड़ ज़्यादा लोग सहते नहीं है तो वही है। तो अरे ये क्या हुआ, मेरे ख्याल से आप पता है नीचे पानी में वो है, ठीक। हाँ, हम लोगों का टारगेट क्या है पता है, हम लोगों का टारगेट है कुछ विलेज ढूंढना है, फिर कुछ अच्छा सा कोई सीनरी वीनरी ढूंढना और उसके बाद से हम लोग वहाँ पर अपना बेस बनाना चाहते हैं, ठीक। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए हाँ, हम लोग का पता है जनरली मतलब ये वीडियो ये सीरीज आज मेरा थोड़ा सा दिल दुखी है, काफ़ी टाइम से हम दुखी थे। एक्चुअली में ये वीडियो उस बात का सबूत है कि आपको अंदर से कैसा भी लगे, ठीक है, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। सर्दियाँ आएंगी, बरसात आएगा, तकलीफ आएगा, खुशियाँ आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, बट आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। मेरे को ये वीडियो बनाना है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए हैं, तो मैं करते रहूँगा, चाहे मेरे दिल को कैसा लगे, चाहे कुछ भी लगे, हम गिरे पड़े, चाहे जो भी हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, मैं हार नहीं मानने वाला, ठीक है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं मानूंगा। मुर्दों की तरह नहीं जीना है भाई, एक जिंदों की तरह जीना है। तो या मेरे लाइफ में थोड़ा तकलीफ है, हम सही बता रहे हैं, हमको जुकाम भी हो गया, ठीक है। तो जुकाम होने के कारण कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच हमको खांसी आ जाती है, तो वो भी एक झमेला है।
जुकाम आने के कारण ना हमको बीच बीच में बीच वीडियो में कभी कभी खांसी आ जाती है, तो खांसी हटाना पड़ता है हमको। तो वो सब चैलेंजेस है, ऐसा नहीं कि मेरे पास चैलेंजेस नहीं है, सबके पास चैलेंजेस है। और हमारे दिल पे भी ऐसा वार हुआ है कि क्या बताएं, हम गलत जगह टाका बिड़ा रहे थे तो दिक्कत तो होगी ना। बहुत तकलीफ हुआ यार, बहुत तकलीफ हुआ। मन करता है कि यार चिल्ला चिल्ला कर रोए, ये साला दुख है ख़त्म नहीं होता है भाई। हम वीडियो के सामने हंस रहे हैं ज़रूर, लेकिन आपको हम क्या बताएं भाई। कोई मेरे वीडियो देखता अपना ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, थोड़ा सा रिलेटेबल बातें करने के लिए, और हम ठहरे उसको और डिप्रेस कर दिए। सोचे ना, कोई अपना ऑफिस से फिर जॉब से आया थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने के लिए, हम उसको और रुला दिए पकड़ के। तो यही बात है, इसलिए पता है हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना रोना जैसा नहीं दिखा रहे, लेकिन बहुत अंदर में चोट पहुँची है भैया, बहुत तकलीफ पहुँची है। इतना तकलीफ पहुँचा है कि तुमको कहाँ बताएं। पता है ये एक चीज़ होती है ना भाई, मतलब यार हम लोग सब प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम लोग कोई चीज़ को भुला नहीं पाते आसानी से। ठीक है, हम लोग कोई चीज़ों को भुला नहीं पाते हैं। चीज़ों को भुलाना बड़ा मुश्किल है यार, कि ये चीज़ें ऐसे हो गई हैं चलो इनको भुला जाओ, ये चीज़ें तुम्हारे साथ ऐसा हो गया चलो इनको भुला जाओ। भुलाना चीज़ों को मुश्किल है, और वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक, देखो कभी कभी कोई छोड़ के चली गई जो भी हो, ठीक है, तो आपको पता है वो होता है कि आप सोचते हैं चलो कभी तकलीफ से निकलोगे, आप कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादातर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस खाली इंतज़ार करोगे उस टाइम का व्हेन यू आर फाइनली ओवर इट। और कसम से बता रहे जब वो दिन आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, सही बता रहे, एक अजीब सा एक अलग सा सुकून होता है मन में कि हाँ अब हम उसको अब उतना याद नहीं करते यार, नाउ आई एम ओवर इट। और हमको उसी दिन का इंतज़ार है, ठीक है, हम थोड़ा तकलीफ़ में हैं, हम बहुत तकलीफ़ में दिन भर गाना चलते रहता है, ज़िंदगी ने गम दिए ये दिए मौसम दिए ये सब है, लेकिन हमको उम्मीद है कि एक दिन देखिएगा हम वीडियो पे से ये जो घूंघट पहन करके बैठे हुए ना हुडी ये सब नहीं पहनेंगे। हाँ मेरे पास बाल है, ऐसा नहीं कि मेरे पास बाल नहीं है तो हुडी पहन के कर रहे हैं, एक्चुअली हम थोड़ा सा डिप्रेस्ड है तो हम अच्छे से सोए नहीं है, तो जब अच्छे से सोए नहीं तो मेरा बाल थोड़ा इधर उधर चितराया है एंड ऑल दैट। तो अभी पता आसपास मेरा कोई है भी नहीं, तो यही कारण से ना मेरे को थोड़ा सा एक्सप्रेस करने के लिए कोई ज़्यादा लोग है नहीं, तो एक कारण ये भी है इसलिए हम वीडियो भी बना रहे थे, क्योंकि वीडियो बनाने से ना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, आप हम अपना बात मन का बात किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, आप भी अपना बात शेयर कर सकते हो। कई कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, दोस्त कमीनों को बताओगे तो कमीने साले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और मम्मी पापा से क्या ही करोगे, उनकी पीढ़ी कुछ और थी। तो या तकलीफ होता है अंदर से, बहुत तकलीफ होता है, रोगे गाओगे, मेरा तो तकिया गीला हो जाता था रो करके, तो हम तकिया बदल के फिर रोते थे। ठीक है, अभी कुछ दिन से फिर वही हालत हो रहा है, ठीक है, लेकिन पहले से बेटर है, पहले से हालत अभी अच्छा है और उम्मीद है कि और भी अच्छा होगा। हम पता है वीडियो अपलोड करना छोड़ना नहीं चाहते थे, हम नहीं चाह रहे थे कि मेरे को वो हो जाए कि हम अपने आप में ही एक वो हो जाए, कूड़ करके रह जाए, मतलब कि अपने आप में ही घुट करके रह जाए, हम ऐसा नहीं चाह रहे थे। यही कारण है कि मैं वीडियो बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाएगा अपन वीडियो बनाएंगा, समझे, यही कारण है कि हम करते जा रहे हैं। और हाँ, हम जनरली पिछले वाले वीडियो में जनरली साइंस की बातें कर रहे थे, आज मेरा साइंस का बातें कोई जरूरी हो तो करेंगे, वैसे आज मेरा कुछ खास इसको बात करने का मन है नहीं, आज थोड़ा सा दिल की बातें होनी है, थोड़ा सा मन का हाल है क्या है भैया, थोड़ा सा ये मेरे को देखना है और थोड़ा सा आपसे भी बातें करनी है। देखो लाइफ में कभी खुशी था कभी गम था, एक ज़माना था जब वो थी तब हमको बहुत खुशी रहता था यार, चलो बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, ये फलाना दिखाना, आज वो नहीं है, आज हमको तकलीफ हो रहा है उसके जाने से, ऐसा लगता है ना भाई कि अब क्या होगा, अब कैसे रहेंगे उसके बिना, ठीक है, कैसे जिएंगे, मतलब कभी कभी मौत भी खूबसूरत लगने लगती है लेकिन नहीं, हम लोग को मजबूत बनना है, हम लोग को स्ट्रांग बनना है और हम लोग को आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, आगे बढ़ते जाना है। ये ज़िंदगी पता है ज़िंदगी एक सफ़र है, ठीक है, सफ़र में आप सफ़र करोगे ज़िंदगी में आप सफ़र करोगे नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना हार मान करके आप छोड़ दोगे कि भैया हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आज मेरा रिकॉर्ड करने का कुछ खास ऐसा मतलब कि बहुत हमको लगा नहीं था कि रिकॉर्ड हो पाएगा, एक मिनट को, आज हमको लगा नहीं था कि आज हम बहुत ज़्यादा इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, लेकिन हम अभी भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और रिकॉर्ड करते रहेंगे यार, हमको चीज़ों को
आगे बढ़ते जाना है, आगे मेहनत करते जाना है, मेहनत करते 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 एक दिन देखना ना यार, एक दिन देखना बहुत आगे निकल आएंगे। पता है पिछले वाले वीडियो को पता है रिस्पॉन्स अच्छा है, कंपैरेटिवली पिछले वाले वीडियो से ये सब रिस्पॉन्स अच्छा है। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है यार कि ये सब कंटेंट मेरे लोग ज़्यादा देख रहे हैं शायद वो लोग ये बातें रिलेटेबल मानते हैं, आई डोंट नो। हम उनका दिन थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं और थोड़े से रिलेटेबल चीज़ें भी कहना चाहते हैं कि ये लाइफ ऐसे है वैसे है, क्योंकि लोग जनरली रिलेटेबल उनसे हो पाते हैं ना जो लोग वो तरीके से गुजरे हैं, वो लाइफ के पाथ से गुजरे हैं जिस पाथ से हम लोग गुजर चुके हैं। ठीक है, आपको आप बोलते ना तड़प ये इसकी कभी नहीं जाती, तो है नहीं गई यार, अभी क्या किया जाए, अब रोएंगे गाएंगे, अब सोचो हम जिंदा हैं एटलीस्ट। ठीक है, आई एम अलाइव एटलीस्ट, सो या अब क्या करें, बैठ करके रोएंगे गाएं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास फलाना नहीं है, हमारे पास दिखाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब ऐसा तो होगा नहीं, समझे। आगे बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, क्या पता बेहतर हो जिंदगी का। किसी के लिए अपना लाइफ क्यों बर्बाद करना भैया, हाँ तुम ही बताओ, किसी के लिए अपना लाइफ बर्बाद करने का कोई सेंस है? कोई मतलब नहीं है किसी के पीछे अपना। अभी हम लोग पता है टारगेट हम लोग का यही है ना कि हम लोग इसको आयरन आर्मर हम बनाना चाहते हैं। एक मिनट हो, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी, चलो ठीक है कर सौ, बैंडिंग का ड्यूरेबिलिटी कम हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग आयरन आर्मर बनाना चाह रहे हैं, आयरन आर्मर थोड़ा सा रहेगा ना तो थोड़ा सा बेटर लगेगा मेरे को। यही क्या हो गया, अरे 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 रात होने वाली है, रात में इन पहाड़ी वादियों में रहना अच्छी बात नहीं। ये देखो गिर गया मेरा एक हम लोगों ने और देखा था, क्यों हम लोग पास वूल एक ही सीप वूल है तो हम ज़्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे, और वैसे भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने आयरन देखा था कहीं यार, पता है यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है कि मेरे को अभी तक सीप क्यों नहीं मिला, सीप मिलता तो ये सब चीज़ें हम लोग इसको बना दिए होते। हम लोग जनरली इस वीडियो में बताए लाइफ की एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और हम लोग इसमें वो से बातें करेंगे, साइंस की बातें करेंगे। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे साइंस की बातें करी है, जैसे करता से विस्केल होता है, कोल का कितना प्रकार होता है, इथेनॉल अल्कोहल है या फ्यूल। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बात करी थी और भी सारी चीज़ें बात करते रहेंगे। वो क्या मीसा बायो में क्या हम लोग इसी डायरेक्शन में बढ़ना है क्या, माइनस या नेगेटिव जो, ठीक है इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना है। और हम कोशिश कर रहे हैं स्माइल करने का कि हमको देख करके चार लोग और ना दुखी हो जाए, सोचे कि साले की वीडियो चालू किया है तो बेटा खाली रो ही रहा है। हाँ अभी मेरा खांसी गया नहीं है, जुकाम हो गया है, खांसी है, दिल भी परेशान है, शरीर भी परेशान है, सब कुछ परेशान है। बट बोले ना देखो हजार उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, हजार उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम जिंदगी है, चलते रहिए जनाब। ठीक है, चलती का नाम जिंदगी है, लाइफ में तकलीफ होगा, रोना गाना सब कुछ आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान करके छोड़ दोगे जीना ही। ठीक, तो मैं चलते रह रहा हूँ, आगे बढ़ते जा रहा हूँ, देखता हूँ कि आगे क्या होता है, कैसे हमको पता है हम एक हफ्ता में ना इन विद इन वन वीक आई विल गेट ओवर हर एंड एक हफ्ता। ठीक है, हम उसको बोल जाएंगे बहुत, लेकिन बहुत तकलीफ होता है। ठीक, अगली बार से पता है दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता, आप सोचते हो कि नहीं अब अगली बार से किसी से अरे यार तुम तो साले डरा ही दिए, आपको लगता है कि भैया अब आप अगली बार से किसी के साथ ये सब नहीं करोगे, किसी के इतना करीब नहीं आओगे कि उनके जाने से साला जीने का मन ही नहीं करने लगे, आप ऐसा करोगे। लेकिन यार ये बात समझो कि कभी जिंदगियाँ खुशी खुशहाल होती हैं, कभी तकलीफ होती हैं। पता है कई कई बार लाइफ में ऐसा हुआ है ना कि प्रॉब्लम झेलने के बाद से ना मेरे को लगा है कि अरे अच्छा हुआ कि हम वहाँ पर हार नहीं माने थे, नहीं तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, समझे। तो हाँ लाइफ में तकलीफ है, नो डाउट तकलीफ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हार मान जाएंगे हम लोग। हम वाटर बकेट भी कर सकते थे लेकिन हम इतना काबिल आदमी है नहीं तो वाटर बकेट करेंगे नहीं। ओके ये पता नीचे आयरन रहता, आयरन मेरे को अभी तक दिखा नहीं है। ठीक है, हम जा रहे, पता है हमको हिली बायोम चाहिए, हमको थोड़ा जंगल टाइप का बायोम चाहिए जहाँ पर हम अपना आराम से चीज़ों को थोड़ा सा एक हम लोग पता माइनस नेगेटिव सीधा नेगेटिव जेड। ठीक है, तो हम इधर घूमेंगे, तो मेरा टारगेट तो इधर घूम, कुछ ऐसा बायोम जैसे मिले कुछ ऐसा तो मज़ा भी है, ऐसे मज़ा तो ज़्यादा आता नहीं है। ठीक है, हम तो बेस बनाना चाह रहे हैं। ठीक,
आई वॉन्ट टू वीक माई बेस, अपना बेस बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस गेम प्ले में जनरली फिलहाल के लिए आज का तो प्लान यही है कि कम से कम एक बेस बनाओ। और ये विच का आवाज़ आ रहा है, इधर है ना, माइनस जेड टॉर्स नेगेटिव जेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, मेरे वीडियो देख करके ना जनरली आपको साइंस की बहुत सारी तैयारी हो जाएगी, जो आप नॉर्मली आप सोचें कि पढ़ाई लिखाई नहीं करें, तो पढ़ाई लिखाई के तो रिप्लेसमेंट मेरे वीडियो नहीं है, लेकिन जनरली साइंस की चीज़ें मेरे को डिस्कस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, साइंस की बात करने में चीज़ें कैसे होती है, पढ़ाना मेरे को इंटरेस्ट हमेशा साइंस में रहा है। ठीक, तो हम कोशिश करते हैं कि लोग हमेशा वो चीज़ें करें जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। ठीक है, ना कि बकवास करें और एक तरीके से टाइम अपना वेस्ट करें। ठीक है, ये सब चीज़ों में। ठीक, हमको थोड़ा तकलीफ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चीज़ें बेहतर होंगी। सम डेज यू विल लर्न एंड सम डेज यू विल बी हैप्पी। तो टुडे आई एम गोना लर्न। एक्चुअली मैं आज पता है मेरा बहुत ज़्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि समझ रहे हो, ये भी बहरा क्या। हाँ, एक्चुअली पता है आज मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा है अंदर से। यहाँ पे हम लोग ने बेस बनाया क्या कि यार सीप नहीं मिलता है यार, गुस्सा इस बात की आती है मेरे को। ये तो बापरे, ये स्पेस ये अच्छा जगह है क्यों बेस बनाने के लिए? आई काइंड ऑफ लाइक इट। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमको आना चाहिए। हमको आयरन चाहिए, पता हम यहाँ से नहीं जाने वाले। हम सोचे थे ना पता कि हम वीडियो को बताना, ये जो मेन इंपॉर्टेंट लम्हे होते हैं उनको एडिट करके इसमें डाल देंगे, लेकिन यार मेरा मन नहीं करता है। ठीक है, ऐसा ले लग तो मैं पीछे ही नहीं छोड़ी जाओ ही करो। अब मेरे को थोड़ा सा स्मेल्टिंग कर लेते हैं। और क्या बोले, अब स्मेल्टिंग करने के बाद से हम लोगों का टारगेट ये बना के पता है, इससे पहले जो है ना हमने ना पार्कोर की भी कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी, लेकिन पार्कोर में प्रॉब्लम ये है ना कि पार्कोर में कभी कभी यार फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। क्यों पार्कोर में कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है इस बात का कि बार बार आप उसको खेल क्यों नहीं पा रहे, उसमें आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। आपको डर नहीं लगता इधर जाओ? हे ठीक है, वैसे हम सोच रहे थे पता है वो बनाने के लिए क्या कहते हैं, फुल आयरन आर्मर बनाते हैं। ये लो, कट गया मेरा खत्म हो गया मेरा वो क्या कहते हैं पता है, बीच में आपको म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना जुकाम टाइप का हुआ है, तो खांसी टाइप का आते रहता है, तो हमको म्यूट करने की ज़रूरत है अदरवाइज। अरे जिंदगी ने गम दिए, मैं गम तो दिए हैं भाई बहुत ही। आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्यों, आज थोड़ा सा मतलब सन्नाटा टाइप का है। ये वीडियो नंबर 3 है, हमने सोचा था कि इसमें बहुत सारा जूस की बातें करेंगे, बट जूस का है कहाँ, जूस तो खत्म हो गया है। जूस आएगा देख लेना, एक दिन आएगा अगर जो हम वीडियो अपलोड करते रहेगा, जूस अगर जो हम जिंदा रहे तो देख लेना एक दिन ऐसा वीडियो आएगा ना जो कि मतलब देखने में बहुत मजा आएगा। ये भी आ ही रहा है, ऐसा नहीं कि चीज़ें शेयर करनी, अगर जो आप यहाँ पे हो तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ भैया फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें बस खाली ऐसे अंधाधुंध किए जा रहे हैं, चीज़ों को फ़र्क पड़ता तभी लोग हैं यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे भी बेहतर वीडियो नहीं आ सकते, वीडियो जाएंगे इससे भी बेहतर वीडियो जाएंगे और हम और भी इम्प्रूव करते जाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे हम मतलब कि डे वन से पहला जो वीडियो था उससे ज़्यादा हम लोगों ने बेटर ये वाला वीडियो बनाया था, डे टू वाले वीडियो। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे डेली अपलोड करने का, लेकिन रेगुलरली अपलोड करने का देखते जैसे हालात बने। कभी कभी आप कहाँ है हरिसला, देखो ये लोगों को देख लिया, उनको आएगा परेशान करने के लिए, उनको पता है ये लोग।
आया था। इसको मारा जाए क्या? अरे मेरा वही खत्म हो गया, क्या कहते हैं सुनना, इसका बनाते हैं यार। मेरा मन नहीं कर आयरन बर्बाद करने का, आयरन नहीं बर्बाद करेंगे तो मुश्किल से तो आयरन मिला है, आयरन नहीं बर्बाद करें। सुनो हम लोग को, हम लोग ना पहले बना लेते हैं ये एक्स में, पता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता इसमें, ये एक्स में जो है ना 0.8 अटैक डैमेज होता है, उसका 0.9 अटैक डैमेज होता है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं बनाएंगे फिलहाल के लिए। और हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग आयरन आर्मर अपना बनाएंगे, ठीक। ये जो आयरन आर्मर है ये हम लोग पूरा अपना फुल आयरन आर्मर बनाएंगे, और आयरन आर्मर बनाने के बाद से हम लोग यार इसको फेंक दिया जाए क्या? है प्रोटेक्शन 4 अच्छा है यार, सुना गोल्डन बूट चला, ये आयरन बूट्स बनाते हैं, ठीक है। ये तो साला जाएगा नहीं, कर्स ऑफ बाइंडिंग बेकार चीज़ है, वो तो जाएगा नहीं। और हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग को डिफेंस बढ़ा है, थोड़ा सा ऑफेंस बढ़ा है, और पता है अभी तक जावा वाले ने ना इन्फिनिट लावा वाला नहीं लाया था, वो इन्फिनिट लावा वाला कुछ ऐसा ट्रिक नहीं लाया था। इन्फिनिट लावा हो जाए तो मज़ा आ जाए, सही बता रहे, बहुत मज़ा आएगा। इन्फिनिट लावा मतलब कि कहना ही क्या। आ जाओ थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बता विलेज मिला नहीं, हम लोग का टारगेट बताया क्या है कि विलेज विलेज मिले, कहीं विलेज विलेज के बगल कुछ अच्छा सा सीनरी जैसा हो और हम लोग आगे बढ़ते जाए, तो हम लोग ट्रैवल ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रैवल करना बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है, ट्रैवल वेवल करते रहेंगे। और पता है मेरा टारगेट ये है कि या तो हम खूब ऊँचे, मतलब माइनक्राफ्ट के जो मैक्सिमम बिल्ड हाइट है वहाँ पर बनाएँ, या फिर हम लोग खूब नीचे बनाएं, ठीक है, मतलब पानी के अंदर में ग्लास का एकदम कुछ ऐसा रूम बनाए। ये सीरीज वैसा है, पता है जनरली चीज़ों को रिलेटेबल बातें होती है, यहाँ पे आपको डिस्कशन करने वाली चीज़ें रहेंगी, हम तो कोशिश करेंगे कभी चाहे तो लाइव स्ट्रीम भी करने, ठीक है। जनरली हम नॉलेज शेयरिंग सेशन रखना चाहते थे, लेकिन अब नॉलेज क्या ही शेयर करें भैया, क्योंकि नॉलेज शेयर करने के लिए वैसा मतलब कि अभी माहौल नहीं है, मेरे को थोड़ा सा अंदर से तकलीफ हुई है तो इसलिए मैं नहीं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जब जब थोड़ा बहुत करते रहेंगे, जैसे कि आपका ये जैसे कि ये अपना मिस्टर जो भी है, जो हम लोगों ने पिछली बार बात किया था कोल के बारे में बात किया था ना, हम लोग कोल के बारे में बात किया था, करदा से स्किल के बारे में बात किया था, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करी थी। आप चाहो तो इसको बाद में वीडियो नंबर 2 भी देख सकते हो, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी थी। और यार कोशिश करते हैं ना कि हम लोग एक बेटर कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। जब ये मतलब चैनल अगर जो थोड़ा सा ये क्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग पास पर्याप्त आयरन है, ठीक है। आयरन के लिए हम लोग को अंडरग्राउंड नहीं जाना क्या जरूरत पड़ा, क्यों पता है? एक ब्लॉक ऑफ ये क्या कहते हैं जो है ये एक ब्लॉक ऑफ लावा ना ठीक ठाक जलता है, तो इसका मतलब ये है कि हमको अपना पानी ले करके यहाँ पे इधर ना बहे बस। इसको यहाँ पे करेंगे हम लोग, और आयरन गया वहाँ पे, तो मेरा कोल बच जाएगा। हमको कोल नहीं बर्बाद करना है ना, हमको कोल, पता है एक ब्लॉक ऑफ कोल ज़्यादा आपका चीज़ों को मेल्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू 64 ये। लेकिन हम इसका ब्लॉक इसलिए नहीं बनाए ना, क्योंकि निकल जाएंगे ना हम वहाँ से निकल जाएंगे तो मेरी चीज़ें जो भी हैं वो से मतलब बेकार चली जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि कोई ब्लॉक ऑफ कोल बनाया जाए, ठीक। देखो ये सब हम लोगों को ये सब भी चाहिए ना, चलो पता है ब्लॉक्स व्लॉक्स थोड़ा चाहिए हमको, देखते हैं ब्लॉक्स पर। एक मिनट को, अरे छोड़ो, हम सोचे थे कि उसको भी लगा दे, लेकिन लग नहीं रहा है, पहुंच नहीं पा रहे, छोड़ो। आयरन चाहिए था यार, आयरन होना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पता है आपको पता नहीं होगा लेकिन कभी कभी ना आयरन डायमंड से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इन माइनक्राफ्ट, ठीक है। आयरन के कारण ना आप समझो कि बहुत सारी चीज़ें आप एकॉम्प्लिश कर सकते हो, बहुत सारे आप मॉब्स को हरा सकते हो आप आयरन से ही। तो इसलिए मेरा टारगेट रहता है ना कि कोशिश करें कि अगर जब कभी भी मतलब कोशिश कर रहे होते हैं कि थोड़ा सेफ खेल रहा है या फिर हार्डकोर खेल रहा है, तो मेरा टारगेट ये होता है ना कि आयरन को जल्दी से फाइंड किया जाए।
ये सब पता है आयरन यहाँ से करने के बाद से आज थोड़ा सन्नाटा जैसे क्यों लग रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सन्नाटा जैसा आया थोड़ा सा मन में। ठीक हाँ, आपको पता है ये सब चीज़ें थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी बदलाव आएगा। ठीक एक मिनट हो गया, अरे नोप। ठीक है चलो बेटा, ये आयरन हम लोगों पास आ गया। ठीक है, इनफ आयरन आ गया हम लोगों पास टूल्स वूल्स बनाने के लिए, और खाना वाना पकाने के लिए भी हम लोगों पास सब चीज़ें हैं। ठीक, तो आई थिंक वी आर ओके। मेरे हम लोग को बकेट कहाँ, वैसे बकेट यहाँ पे है, बकेट को यहाँ पे किया जाएगा। और अभी विलेज की तलाश में ही आगे निकल रहे हैं, विलेज विलेज मिलेगा तो फिर चीज़ें बनाया जाएगा। ठीक ओके, ये तुम लोग पास खाना वाना तो हो ही गया, क्यों खाना वाना हो गया है, और आयरन भी हो ही गया मेरे ख्याल से। हम लोग पास प्लेंटी ऑफ आयरन, लेकिन पता है आयरन को लेकर के एक लालच आती है ना, कितना भी आयरन होता है ना ये सब टूल है वो नहीं करता मेरे का। ठीक है, आयरन मतलब कि एक लालच वाली चीज़ है। अभी हम आयरन आर्मर पूरा होते ना तुमको तो डर नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अरे कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो चलो चलो चलते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक मिनट रुको, तो चलो सुनो ना अभी कुछ इधर चला जाए, किधर आगे बढ़ाया जाए। हम लोग टुवर्ड्स नेगेटिव जेड था ना, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड किधर था भाई, या क्या नेगेटिव नेगेटिव एक्स टुवर्ड्स नेगेटिव जेड, इस साइड आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस साइड अपना, आगे बढ़ते जाएंगे। पता है टुवर्ड्स नेगेटिव जेड जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वही वही काफ़ी टाइम से जा रहे हैं। ठीक, मेरे को छोड़ के जाने मन नहीं कर रहा है, मेरे को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग को चल रहा होगा ये सब, हमको थोड़ा सा लकड़ी वकड़ी चाहिए, थोड़ा बेसिस बनाना चाहिए, थोड़ा जम्बी विलेजर। पता है बहुत टाइम हो गया मेरे को ऐसा लेट्स प्ले, लेट्स प्ले जैसा तो ये पूरा कम्प्लीटली नहीं है, लेट्स प्ले जैसा नहीं है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बेटर होंगी। इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा और वीडियोज़ में हम लाएंगे धीरे 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 धीरे, चीज़ें सब और भी बेटर होने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए हमको लगता है कि हम लोग यहाँ से चलना होगा, क्योंकि क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक हम लोगों ने कुछ बेस जैसा नहीं बनाया। कोई आएगा तो बोलेगा साला एकदम लवारी जैसा खेल रहा है, इधर उधर लवारी जैसा घूम रहा है तो लवारिस नहीं है ये, क्या है रैबिट है। ओ ये, ये देखो स्केलेटन है साला, स्केलेटन पता वन ऑफ द मोस्ट एनॉइंग है मॉब्स है माइनक्राफ्ट में। स्केलेटन बहुत एनॉय करते हैं मेरे को, सबसे ज़्यादा एनॉय करने वाले मॉब्स में पता है क्या है, स्केलेटन है और मैग्मा क्यूब्स। अरे यार मैग्मा क्यूब्स आर रियली बहुत माथा खराब करने वाले हैं। हाँ बेटा गिरे हुए तो ही है, ये देखो पति पत्नी है वहाँ पे पता है, पता है एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे जो होता है मॉब्स होते हैं ना, मॉब्स मेरा साइन कर रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगता है हाँ मेरे ख्याल से हम लोगों ने गामा वर्जन कुछ है गेम का, वो हम लोगों ने चेंज किया था, मेरे को याद नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कुछ चेंज किया था, तो इसी कारण से ये लोग जो मॉब्स वॉब्स है कुछ साइन विन कर रहे हैं। ठीक है, वार्डन, वार्डन का जहाँ तक बात है तो हम लोगों ने वार्डन को ना बहुत बार ना हराया है। पता है वार्डन मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है वार्डन को हराना हम मेरे लिए बहुत आसान है क्रिएटिव मोड में, क्योंकि यार सर्वाइवल हमसे होता नहीं सर्वाइवल हमसे होता नहीं यार, मेरे पास पेशेंस ही नहीं है यार। पता है वो जो वूल वूल है तो उसको रख करके चिपके से जाते हैं मारते हैं, उसके बाद से फिर है पागलों जैसे जाते हैं और फिर लड़ करके वापस आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज़ है। लेकिन हम लोग इधर आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो कैसा बना हुआ है, बढ़ रहे स्लैब जैसा बना हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी आ रही थी, थोड़ा जुकाम है थोड़ा सा, पता है अभी बहुत ठंड पड़ रही है इधर, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ये फ्रेम ड्रॉप क्यों हो रहा है भैया, ये देखो मेरे ख्याल से वर्ल्ड जनरेट हो रहा है, क्यों मेरे ख्याल से वर्ल्ड जनरेट हो रहा है इसलिए फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। ये पता है ये बकवास पाए हुए, ठीक है हम नहीं जा रहे इधर, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, ये पता बहुत बुआ यार बुआ, मुझे कुछ मिलता नहीं मेरे को यार, फालतू के इधर उधर के लिए टाइम वेस्ट होता है, मैं नहीं जाने वाला उधर, बेकार है यार। ये क्यों हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप क्यों हो रहा है अचानक से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो
आपने ये वीडियो देख करके एक चीज़ एटलीस्ट सिखाई होगा कि यार जैसा भी आपको मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या फिर मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का, वर्कआउट करने का, या फिर मन नहीं कर रहा है कोई भी अपना हॉबी वॉबी फॉलो करने का जो कि आपको पर्सनली कोई ग्रोथ करे तो भी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मन का क्या है यार, मन तुम्हारा बहुत सारा चीज़ करता है। मन कभी करता है कि पढ़ाई लिखाई ना करे, मन करता है कि कुछ जॉब पे ही नहीं जाए, मन करता है कि स्कूल ना जाए, मन करता है कि वो लड़की मिल जाए, ठीक है। मन साला मन तो एकदम पागल है, मन एकदम लावारिस है, मन तो कुछ भी सोचते रहेगा, ठीक है। लेकिन मन के हिसाब से आप नहीं चलोगे, आपके हिसाब से मन चलेगा, ठीक है। और ये वीडियो इस बात का सबूत है, ठीक है। आपको अंदर से कैसा भी लग रहा हो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे तभी चीज़ें इंप्रूव होंगी, अदरवाइज आपको इमेजिन करने से चीज़ें इंप्रूव नहीं होंगी। काश कुछ अच्छा होता, काश कुछ कुछ पता कुछ क्या अच्छा हो जाएगा यार, तुमको कोई जादू की परी आकर के तुमको आके कुछ सामान देगी कि भैया ये देखो ये वाला मंत्र ले लो, ये वाला मंत्र ले लो, तुम्हारा सब चीज़ बदल जाएगा, ठीक। कोई जादू की परी नहीं आने वाली, ठीक है। जो है यही है, जो लाइफ है यही लाइफ है, ठीक। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, ठीक। आप अपने आप को खुद ही बचाओगे, ठीक। आप अपने आप को ही बचाओगे, तो इसीलिए वैसा मतलब दिमाग में नहीं लाना है कि आज मेरे को मतलब आगे नहीं बढ़ना है, आज हमको आगे नहीं बढ़ना, आज हमको मेहनत नहीं करनी है। आप मेहनत करो, ठीक है, हमारे साथ रहो, हमको देखो एटलीस्ट कि कम हम कैसे 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 जी रहे हैं। मेरा थोड़ा देख करके पता ही चल गया हुआ है कि हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। स्माइल करने का मतलब ये नहीं, झूठी स्माइल करने भी हमें बहुत अच्छे से आती है, झूठा स्माइल करने नहीं आता तो यार लाइफ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्माइल करने हमको आता है, झूठी वाली स्माइल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अंदर से खुश हैं, लेकिन अब क्या किया जाए बताओ। अगर जो हम रोएंगे तो भी हालात चेंज नहीं होगा, और ऐसा तो है नहीं कि कोई जादू हो जाएगा। अब सोचो ना, आप काफ़ी टाइम ऐसा अपना पोस्टपोन कर देते हो ये करने के लिए कि छोड़ बाद में करेंगे, बाद में जब मूड होगा आ जाएगा। कुछ नहीं मूड होगा यार, ठीक है। करना है, कोई काम करना है आपको, जो आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है तो अभी करो, नहीं तो समझ लो कि नहीं होगा, ठीक। जस्ट डू इट राइट नाउ, बस द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज राइट नाउ। करते रहो करते रहो करते रहो, और एक समय ऐसा आएगा ना आप बोलोगे अच्छा हुआ यार हार नहीं माने थे, ठीक है। मेरे साथ ऐसा कोई एक चीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। YouTube वाला कि वो नहीं है, YouTube पे हमने कुछ ऐसा कुछ ये वाला फिलॉसफी YouTube पे नहीं यूज हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने कई सारी चीज़ों पे मेहनत नहीं करी है, ठीक है। हमने भी मेहनत करी है, हम फेल हुए हैं, गिरे हैं, आगे बढ़े हैं, तुमको हम क्या बताएं क्या क्या हुए। हम इससे पहले कई सारा चैनल बनाए थे, चैनल मेरा चला नहीं था, पता है। सुनो, हम बता रहे हैं, मेरे को माइनक्राफ्ट के मॉड्स बनाने थे, ठीक है। अभी भी है प्रोग्राम मॉड्स बनाने के लिए, लेकिन माइनक्राफ्ट का मॉड्स बनाने के लिए जावा सीखना पड़ता है, ठीक है। अब जावा सीखने का मतलब ये है कि आपको जावा सीखने का मतलब ये है, देखो माइनक्राफ्ट चूंकि जावा में बना हुआ है, ठीक है, तो हम सोच रहे थे कि इसके लिए फ़नी फ़नी मॉड्स बनाए, फिर इंटरेस्टिंग मॉड्स बनाए। मेरा हमेशा से ये वाला प्लान था, मतलब मॉड्स और बनाने का, लेकिन हमने नहीं बनाया इसको क्योंकि डिले होते गया सब चीज़ें। अरे यार ये देखो प्रकट हो गए साले। हाँ तो हम ये बोले थे, मेरा भी मन था हमेशा कि माइनक्राफ्ट के मॉड्स बनाने, मेरा भी पता है हमेशा से प्लान था माइनक्राफ्ट के मॉड्स बनाने के लिए कुछ, मतलब मेरे दिमाग में बहुत है, पता है ये जो चैनल शुरू करने था ना, तो मेरे को बहुत सारा, मतलब नॉर्मली मेरे पास 100 से भी ज़्यादा आइडियाज हैं अपने चैनल पे करने का, ठीक है। लेकिन फिर पता हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं थे, गरीबी है भी, बहुत अच्छा हालत नहीं है मेरे। वो देखो चला लेदर आर्मर में आया है, जॉम्बी नहीं आया है, स्केलेटन आया है। तो एक मिनट को यार हम लोग वो बना लेते हैं, पता है रात मेरे को कुछ सुहाना नहीं लग रहा है, तो हम लोग पहले इसे बना के निकलते हैं, नहीं तो ऐसा लगे क्या हो रहा है। कहाँ गए वो, ठीक है, वुडन बेड, वाइट बेड, सो जाते हैं फालतू का, गया है झमेला होगा, मर जाएंगे तो पता नहीं कहीं वहीं पर फिर से रिस्पॉन्ड कर जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो हम बोल रहे थे, पता है मेरे को माइनक्राफ्ट के बहुत सारे, मेरे पास इतने आइडियाज़ से हमको पता है ड्रीम ना बहुत इंस्पायर किया था, ठीक है। तो मेरे पास इतने आइडियाज़ से ना, मेरे पास इतने आइडियाज़ से माइनक्राफ्ट के मॉड्स बनाने के लिए, या फिर माइनक्राफ्ट के फ़नी सीरीज जो अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि उसको मतलब करने के लिए ना मेरे को बहुत ज़्यादा बोझ लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन
ऐसा नहीं कि मेरे पास कंटेंट के आइडियाज नहीं, मेरे पास कंटेंट के आइडियाज बहुत है। इनफैक्ट जब मेरे पास कंप्यूटर नहीं था ना, तो मेरा एक यही टारगेट था कि यार जितना ज़्यादा ज़्यादा आइडिया हो उतना आइडिया इकट्ठा कर लो, क्योंकि जब समय आएगा, जब कंप्यूटर मिलेगा, तो हम लोग उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। और पता है करीब एक साल हो गया मेरे को, एक साल हो गया कंप्यूटर का जुगाड़ करने में, क्योंकि माइनक्राफ्ट जब चलता नहीं था यार, कितना आएगा, 10 FPS 15 FPS आते था, वो भी जब रिकॉर्ड नहीं करते थे, जब रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग ऑन कर देते थे OBS का, तो वो भी नहीं आता था। मतलब थोड़ा था यार, थोड़ा लाइफ में तकलीफ था, ऐसा नहीं था कि मेरे को तकलीफ नहीं था, लेकिन हम उस समय, पता है उस समय हमको भी याद है, जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था तो हम सोचते, हम पता है क्या बोला था, PDF जैसे एक बना लिए थे, उसमें हम कई सारे अपने आइडियाज लिखे थे। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज है, मेरे पास इतने एडवांस्ड आइडियाज हैं कि वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज बनेगा, एज फार एज आई नो। हम घमंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी वीडियोज बनेंगे अगर जो हम उसको फॉलो किए तो। ठीक है, गिर गए थे, किधर जा रहे हैं यार, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है हमको, ये कौन ज़ॉम्बी कहाँ से प्रकट हो जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आते हैं अपन को। हाँ, ये साला पूरा वीडियो बस खाली इसी लवारिस की तरह इधर उधर टहल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होगी तो इसमें मतलब कि थोड़ा सा सीनरी अच्छा आएगा, तो हम लोग वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे। मतलब अब बेस बना के वहीं पे रहना ही है, ठीक है, मतलब कि हमेशा रहना ही, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट जैसा आए सीनरी में, कुछ खूब बड़ा सा पहाड़ हो और फलाना दिखाना हो, वैसे ये सब भी सीनरी ख़राब नहीं है। हम लोग का लेवल कितना है, 2 हम लोग को पता 171 लेवल है, वाई लेवल तो इट्स नॉट वेरी मच डाउन, बहुत नीचे वाला लेवल नहीं है। कहाँ, यहाँ कहीं बेस बनाया जाए क्या ज़ॉम्बी विलेजर के लिए? यार ये पता है, ये लकड़ी वाला बायोम नहीं है, लकड़ियों को हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है आगे चल के कई सारी चीज़ें बनाने के लिए। पता है चिरंडी हम लकड़ी से कंस्ट्रक्शन नहीं करते, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आग लग जाएगा, ठीक है, लकड़ी में लाइटनिंग से आग लग जाएगा, इसलिए लकड़ी वाला मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। अरे ये देखो, देखो घूम के वहीं आ गए जहाँ से हम लोग चले थे, यही कारण है, पता है यही कारण है कि हम लोगों को ना कपास को फॉलो करना चाहिए। देखो हम लोग यहीं से चले थे, नीचे था ना, जहाँ से चले थे वहीं आ गए, लेकिन उस समय यहाँ पर स्केलेटन थे और अभी नहीं है, तो यार इट्स काइंड ऑफ देखो स्केलेटन को डिस्पॉन किए एटलीस्ट। ये रैप क्यों करने लगते हैं यार? अरे देख रहे हो, हम ही को आग लगा दिया लोग। अब अगला बेस कहीं विलेज के पास बनाना चाह रहे, सही बता रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू मेक, हम लोग विलेज अपने से भी बना सकते हैं क्यों? ज़ॉम्बी विलेजर ग्रोन्स एंड ऑल दैट टेक, वो सब चीज़ें बताते हमको, बस खाली एक सीनरी मिल जाए बस। अब देखो, अब कुछ भी हो जाए ना, हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें फेंक देते हैं हम लोग, जैसे कि ये फेंक देते हैं, और ये रोटिन फ्लेस का क्या किया जाएगा? ऑब्सीडियन की कुछ खास जरूरत नहीं है मेरे को। खाना हम लोग पास पर्याप्त है, ठीक है। और इस वीडियो में तो कुछ ज़्यादा साइंस की बातें नहीं, पर एटलीस्ट दिल की बातें हुई है थोड़ा सा। अगर जो आपको लगे ना कि अब नहीं होगा, हमसे मेहनत नहीं होगा, आप आगे बढ़ते जाओ। एक डेविड गॉगिंस करके है, एक बहुत ही महान एथलीट है, ही इज वन ऑफ माई मतलब कि फेवरेट फिलोसफर, क्या कहें, फिलोसफर का एथलीट है। वो बोलते हैं ना कि अगर जो आपको लगता है कि आप थक गए, इससे आगे नहीं होगा ना, तो आप यू आर ओनली 40% डन। मतलब जब आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा हमसे मेहनत नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते ना, तो आप सिर्फ 40% हुए होते हो, ठीक है। आपको और भी मेहनत, 40% चीज़ें नहीं होती बहुत ज़्यादा क्यों 60% चलो समझ में आता है, आपको और भी करना है आगे। तो अगर जो आपको लगे कि नहीं होगा, तो आपकी गलत फहमी है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ोगे, ठीक है। कई लोग हैं, डेविड गॉगिंस के बारे में अपने पढ़ना, वो बंदा नहीं है, वो पता नहीं क्या है, मशीन है, वट एवर, आई डोंट नो, वो बंदा ही गजब का आदमी है, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें उसने करी है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें उसने अकॉम्प्लिश करी है ना, कि आपको सोचते सोचते थक जाओगे, शरीर से करना तो छोड़ा ही है। वो बहुत महान एथलीट, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स वी हैव एवर हैड, वो है, ठीक है। गजब आदमी है यार, कभी डेविड गॉगिंस, ठीक है, DAVID GOGGINS, ठीक है, डेविड गॉगिंस के बारे में आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ कह रहे हो। बंदा क्या, अच्छा वो पता है, वो बंदा का ना अचीवमेंट आप सुनोगे ना, तो आपको मतलब कानों तले जमीन खिसक जाएगी, पैरों तले नहीं। अरे यार यही देखो, ये पता है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है।
चलो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, जी चलती का नाम ज़िंदगी है। लोग पता है एक चीज़ देखना ना आपको कि आपको कोई मतलब कि देखो देखो जनरली सिनेरियो क्या होता है, हम आपको बताते हैं। जनरली सिनेरियो ये होती है ना कि जैसे आप तकलीफ में हो, आप सोचते हो कि फलाना हमारे पास ऐसा चीज़ें होती है तो फलाना दिखाना है धमकाना है जो भी हो, आपके पास ये सब चीज़ें होती है तो आप ज़्यादा मतलब खुश होते हैं, ठीक है। तो आप सोचते हो कि काश कोई हमें अपना ले, काश कोई हमें अच्छा लगे, हम लोगों को सामान की भी ज़रूरत चाहत होती है, हम लोगों को सुख भी चाहिए होता है, हम लोगों को लोगों का भी ज़रूरत पड़ता है। तो आप सोचते हो कि कोई ना कोई काश लाइफ में दुख बटा ले, या फिर कोई कुछ कोई अपना होता तो चलता है ज़िंदगी अच्छा, दिन कटता नहीं है, रात कटता नहीं है, सुबह से शाम, शाम से सुबह होता जाता है, ठीक है। आप देखते हो कई के लोगों की वो लोग रिलेशनशिप में कितना खुश है और आप खुश नहीं हो, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि यार वो जब खुश है तो हम कह नहीं हो सकते, हमारे अंदर क्या कमी है, फलाना दिखाना, सब चीज़ें होती रहती है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि यार आपकी लाइफ और उनकी लाइफ कोई सेम नहीं है भैया, उनका लाइफ कुछ और है, आपका लाइफ कुछ और है, ठीक। दोनों का लाइफ अलग है, दोनों का मतलब कि जो ज़िंदगी है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी वो ज़िंदगी के किस माहौल में गुजरे थे, किस मूड से गुजरे थे, वो जानते हैं, आपको तो पता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग लकी हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग आपसे भी लकी नहीं हो। तो लाइफ में यार ये सब होते रहता है ज़िंदगी में कि नहीं हो रहा है कि तो क्या करें, रोगे गाओगे, ठीक है। आप सोचिए कहीं कोई लड़की मिल जाए, हमको लड़कियों का नहीं पता, पता है लड़कियों का लेना बहुत ऑप्शन रहते हैं, हम लोग लगता है ना कि हम लोग मतलब यूनिक है लड़कियों के लिए, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, लड़कियों के पास यार ऑप्शंस की कमी होती है यार, लड़कियाँ रिजेक्ट करती हैं, हम लोग रिजेक्ट होते हैं, लड़कियाँ रिजेक्ट करती हैं, लड़कियों के पास ऑप्शंस की कमी है यार, उनके पास ऑप्शंस की कोई भी कमी नहीं है। आपको कभी उनका व्हाट्सअप खोल के देखना, मैक्सिमम लड़कियों का देखना, लोग उनका चैट भरा हुआ, आई लव यू सोना मोना जोना वाट एवर, ठीक है, ऐसा चीज़ें बनी रहती है, ठीक। तो आपको लगता है कि आप कुछ यूनिक हो, आप उनको क्या दे दोगे, सोचो आप सीधी बात सोचो, आप उनको क्या दे दोगे, वो आप ही के पास। अरे वो आप ही के पास क्यों आएंगी, वाई द हेल वुड सी कम टू यू ओनली, वाई द हेल वुड सी ओनली कम टू यू, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आपको लगता है कि आप बहुत कुछ यूनिक हो, कुछ गहरा प्यार करोगे, बहुत ज़बरदस्त प्यार करोगे, अरे यार उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती, उनके पीछे रहोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। आप सोचो ना दिन भर चीज़ें जो उनके बारे में सोचते रहते हो, ठीक है, अगर जब आप अपने बारे में सोचो, ठीक है, तो आप कितना आगे निकल जाओ, आप चीज़ें इंप्रूव करो। और यार देखो हर चीज़ का दुनिया में कीमत होती है, ठीक है, अमीर को अमीर से ही प्यार होता है, गरीब को गरीब से ही प्यार होता है, गरीब से प्यार क्या होता है, गरीब को भी अमीर से होता है, लेकिन अमीर वाले सुनेंगे क्यों, ठीक है। आपके सपनों का राजकुमार आता है, ठीक है, आपके सपनों की कोई मजदूर नहीं आता तो आप इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि हर चीज़ का रेट होता है, हर चीज़ का ये जो मार्केट है, अपना जो समाज है ना, ये एक मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ की बोली लगती है, हर चीज़ का दाम है, आपके प्यार की भी कीमत है। आप सोचते हो कि बे इंतहा बेपनाह प्यार करेंगे तो कोई मेरी हो जाएगी, नहीं भैया उनको प्यार करने वालों की कमी नहीं है, बहुत 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 मिलेंगे यार, 7 अरब से भी ज़्यादा की आबादी है दुनिया में, अभी तो 7 अरब से भी ज़्यादा हो गया, अभी हम लोग 150 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, उनको प्यार करने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि आप उनको कुछ यूनिक दे दोगे तो नहीं है, उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, उनके पास ऑप्शंस भर भर के हैं, आप व्हाट्सएप खोल लो उनका, कभी उनका मतलब कि थोड़ा सा ऐसा चेक करने के लिए लेना, जो भी उनके परमिशन है, देखना कितना लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, ठीक, समझे। तो ये चीज़ पता है आपको कैसे पता चली, हम जब एक मिनट, हाँ हमने ना वो बनाया था, क्या कहते हैं, जब एक लड़की का कुछ प्रोफाइल बनाया था टिंडर पे, तब हमने एक चीज़ देखा ना यार कि यार जब हम लड़की के प्रोफाइल से बना रहे हैं ना, तो लड़कों का यार मेरा कोई मैच नहीं आ रहा है मेरा कोई मैच नहीं आ रहा, लेकिन जब लड़कियों का एक मिनट को, और वो आज एब्सट्रैक्टेड गए, पता नहीं कहाँ चले गए कहाँ चले गए, मेरा सामान चला गया तारा, अरे यार ये कैसा क्यों हुआ यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम तो बोट में थे फिर भी मर गए, ये ऐसा क्यों हुआ, चोट लग गया मेरे को वहाँ भी चोट लगा, अंदर में भी चोट लग गया, मेरा सारा सामान चला गया यार, ओके छोड़ो कोई बात नहीं, हम लोग कहाँ है अभी,
22 का माइनस 7 है। कोई बात नहीं यार, मरना जीना तो लगा ही रहता है। ठीक, तो कोई बात नहीं, नहीं जाएगा वहाँ पे। कहाँ है पता नहीं, कहाँ गिरा, कैसे गिरा। सुनो हम लोग लकड़ी वकड़ी लेकर के आते हैं और कोई हमको पता है, देख रहा होगा ना, अभी आप देख रहे हो तो बोलो ये गधा बना रहा, बेवकूफ़ बना रहा है। सारे बोला है कि बेस बनाएगा, बोला है कि विलेज ढूंढेगा, मर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, मर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्टार्ट कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा। हाँ ये बात है, थोड़ा बड़ा सच के बार बार रिस्टार्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुनो ना, यहीं पर अपना बेस बनाते हैं, क्या कहते हो, क्या कहते हो? ठीक है यार, ये भी कुछ ख़राब नहीं है मेरे लिए, आई थिंक ठीक है। तो ये तो मेरा खाना रहा, और यहाँ से हम लोग कोबल स्टोन मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। ठीक, तो चलो यहीं पर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये भी कोई बहुत ही ऐसा डेंजरस है नहीं। स्ट्रॉन्ग अटैक, क्रिटिकल अटैक है, और क्रिटिकल। कहाँ जा रहे हो, और क्रिटिकल। तो वही है, तो हम आपको वही बताना चाह रहे थे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर है, बाकी आप तो ये देखो चोर को, इसको और कुछ चुराने के लिए नहीं मिला। हम आपको भी बताना चाह रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस क्या है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है, बाकी आप तो अपने से ही होशियार हो, समझदार हो, तभी तो आप अभी तक यहाँ पर बने हो, तभी तो आप यहाँ पे हो। हमने एक चीज़ देखा यार कि पता है आपको लग, देखो एक चीज़ ये भी है कि आप उनके पीछे रहो ना जो कि हेल्प का ज़रूरत है, आप उनको प्रेम दो ना जो कि प्रेम के लायक है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर कोई गरीब आदमी है, कोई तकलीफ़ में रह रहा है, कोई गरीब सा जानवर है, कोई वो है, क्या कहते हैं, गाय है, उसको चोट लग गया है, फिर कोई कुत्ता को चोट लग गया है, ठीक है, किसी को भी लग गया है, ठीक, तो आप उनका हेल्प करो जो हेल्प के लायक है। देखो लड़कियों को आना होगा तो लड़कियाँ आएंगी, और लड़कियों को नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे बेटा, तुम चाहे जो भी कर लो। ठीक है, उनके पीछे पड़ोगे तो आपका सिर्फ इज्जत नुकसान होगा, आपका इज्जत खत्म होगा और कुछ नहीं होगा। उनके पीछे पड़े रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, उनके पीछे पड़े रहने से इधर भागो उधर भागो, उनको मार मतलब कि छाप करके रखे रहो। ठीक है, अब देखना आपको सेल्फ एस्टीम की वाट लग जाएगी अगर जो आप लड़कियों के पीछे ऐसे पड़े रहोगे दिन रात सुबह शाम। ठीक, इसलिए थोड़ा सा आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मेंटेन करने वाली चीज़ होगी। हमको भी तकलीफ हुआ है, क्या करें, मन नहीं मानता है, ज्ञान चाहे जितना भी बांट लो लेकिन अंत में जाकर के वही होता है कि काश को मिल जाती, ऐसा होता है माइंड में। लेकिन लेकिन आप किसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एक समय ऐसा आएगा ना जब लोग आपसे मिलने के लिए, समझे ना, पता है एक बार कभी कभी ऐसा हुआ है ना मेरे साथ कि हम किसी से मिल के आए ना, उन्होंने कोई अपना नंबर का जुगाड़ किया, उनके पास नंबर नहीं है, उन्होंने नंबर जुगाड़ करके हमको कॉल किया है, हमसे बात करी है। और कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी के पीछे इतना टाइम दिए हैं, इतना अच्छी अच्छी बातें किए हैं, मतलब इतना मेहनत किए हैं, और एट द एंड ऑफ द डे बाबा जी का टुल्लू मिला है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लड़कियों को आना होगा तो लड़कियाँ आएंगी, लड़कियों को नहीं आना होगा तो नहीं ही आएंगी, आप चाहे जितना हल्ला मचा लो, चाहे जितना भी कर लो। अबे ये तो पिछवाड़े में घुसोगे मेरा क्या साले, मैं तो ये बोल रहा है कि मारे क्या, मेरा बहुत मन कर रहा है मारने का, मार दे क्या, मारेंगे तो यही मरेंगे ना। कहाँ गया, बेटा तुमको मारेंगे तो फिर से। या बेबी बोलो तो मारेंगे तो तुमको, ये आइए सर, ये क्या हल्ला मच रहा है, ऐसा हल्ला मच रहा है। तो आज का एपिसोड मेरे ख्याल से हम लोग को रैप अप करने की जरूरत है, नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग क्या करेंगे पता है, मे भी थोड़ा केविंग वेविंग करेंगे, थोड़ा सामान वामान लेकर के आएंगे, थोड़ा इधर उधर टहलेंगे, और सामान ला करके तुम्हारा यहाँ पे जो माइनस क्या है तुम्हारा कौन सा डायर कोऑर्डिनेट है यार,
42, -25 है जो ये जगह है, ठीक है। यहीं पर हम लोग रिस्पॉन होंगे, यहीं पर फिर से आएंगे और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब वहाँ से हम लोग कुछ कोयला लाएंगे, फलाना दिखाना वो सब चीज़ें लाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना कुछ सुंदर सा एक बेस बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगली बार से थोड़ा विलेजर विलेजर आ जाए। अब विलेजर को हम ढूंढने वाले नहीं है, पता मर के बार बार यहीं पर रिस्पॉन होना है तो हम बार बार विलेजर को ढूंढने वाले नहीं है, ठीक है। जो है यही है, यहीं पर रहने दो। और चलिए इस नोट के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। जहाँ रहो जैसे रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, चलती का नाम जिंदगी है दोस्त। कुछ करोगे तभी ना कुछ होगा, कुछ करोगे नहीं बस खाली रोते रहोगे तो चीज़ें होंगी नहीं। आपसे बात करके थोड़ा सा अच्छा लगा, मेरा दिल को थोड़ा हल्का मिला। अदरवाइज मेरे साथ लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें शेयर करने से अच्छी लगती है। उम्मीद करते हैं कि और भी मेरा कंटेंट और भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा और सब चीज़ें आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद, बाय।